जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अभी तो गर्मी लगा था, अभी तो धूप लगा था, अभी तो गर्मी गर्मी फोटोग्राफर वाले कहाँ हैं? जैसे दूर ले लो बाकी। जितेंद्र स्वामी तो पुत्र कहलावे कार्यकर्ता हैं, और कार्य का दायरा जो है उन्हीं के छत्र छाया में रह करके सीखने का मौका मिला। थोड़ा लवली सर, गाय का थान मजबूत रहता है तो बछड़ा उसी पर जंप करता है। समय के पहले जाना तो सबको है, लेकिन हम या उनके शुभेच्छु महसूस करते हैं कि कुछ दिन कि जिला के विकास के लिए, प्रांत के कुछ समृद्धि के लिए कुछ दिन और उनको रहना चाहिए। आज हमारे सिवान के जननायक कहे जाने वाले स्वर्गीय उमा शंकर बाबू की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन तो 2013 में 24 जनवरी 2013 में उनका देहांत हुआ था, और वो उनका नश्वर शरीर हम सभी के बीच में से एक ऐसी आत्मा जिनके सभी जन जन में प्रिय थे। जी ऐसा बात, ये पुण्यतिथि था उनका, हम लोग का अभिभावक थे, गार्जियन थे, हम लोग ले अगर दिल्ली, हमको जिस बाबू को ले अगर दिल्ली में एडमिशन कराने वाले वही आदमी थे। सिवान हम जो लोग पढ़ते थे मैट्रिक करने के बाद, ज़बरदस्ती हम जिस बाबू को लेकर दिल्ली लेकर गए, जामिया में एडमिशन कराया, वहाँ से हम लोग पढ़ लिख कर वहाँ से आए, इन्हीं का एडमिशन देना था। ऐसा नहीं कि 7 साल थे अभिभावक गार्जियन, मतलब असल रोल वही निभाया। हमेशा जब भी जाते थे वो देखते थे, मिलते थे, जुलते थे, पूछते थे हम लोग से। सबसे पहले तो हम लोग के माध्यम से कर्पूरी जी का जयंती है, उसमें कर्पूरी में ठाकुर जी को हम नमन करते हैं, और साथ नेताजी उमा शंकर बाबू एक सामाजिक, और ये उनको हम नमन करते हैं, उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोग इस अवसर पर पहुँच के मेरे पिता के सम्मान में अपने वृद्धि किया। वो तो मेरे पिता थे, मगर इस समाज के लिए बहुत बड़े अनुसरण के उन्होंने अपना जो पदचाप छोड़ रखा है, हमारे जैसे लोग, युवा लोग, या इस ज़िले में जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक अनुसरण करने के लिए एक पदचाप छोड़ रखा है।